हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट क्लास 10th विद द टॉपिक सॉल्ट। सो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस ऑफ एसिड एंड कटायन ऑफ बेस। आयंस ऑफ एसिड मींस एसिड के आयंस है, एसिड से आयन मिलते हैं और बेस से क्या मिलते हैं? कटायन, मींस जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है और नेगेटिव पार्ट जो होता है वो एसिड से आता है। तो सॉल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एट्सेट्रा। अब देखो कैसे सॉल्ट बना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने NaOH क्या लिया? बेस लिया। जहाँ पर भी OH होता है वो बेस होता है, उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाया और बना NaCl प्लस H2। सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन अमंग देम। सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाने में। सोडियम कॉमन सॉल्ट को कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं। इससे फूड का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर अदर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। और सबसे पहले ये कहाँ बनाया था? गांधी जी ने इसको मतलब बनाया था जब सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। और फ्रॉम रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो है वो डीप इनसाइड द अर्थ से हमें मिलता है। नाउ कम फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब है तीन तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक सॉल्ट। और जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बना न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे ये एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये न्यूट्रल सॉल्ट है। नाउ सोडियम क्लोराइड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। जिंक फैमिली के सॉल्ट, जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। इधर टाइप ऑफ सॉल्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि थ्री टाइप ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। और इन सॉल्ट्स का pH 7 होता है। एसिडिक सॉल्ट का pH 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्ट का pH 7 से ज़्यादा होता है। नाउ दिस इज स्टेबल एसिड एंड बेसिस। देखो ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिले एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही वीक मिले तो न्यूट्रल सॉल्ट। और ये इसके एग्जाम्पल्स। अब आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। अभी सबसे पहले हमने किया सोडियम क्लोराइड। अब यदि आ जाए सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है, तो एक तो ये कॉमन सॉल्ट की तरह फूड में यूज़ होता है और दूसरा अदर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम बनाने में हेल्प करता है। सबसे पहला सोडियम सॉल्ट आया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। वट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन? इट इज़ ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है जब सोडियम क्लोराइड का, तो ये ब्राइन बन जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन डीकम्पोज होता है, ये देखो ये NaCl है, इसको पानी में मिलाया ब्राइन बन गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ये जो क्लोरीन है ये कहाँ कलेक्ट होती है? एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड। And this process is known as chlor-alkali process. क्यों कहते हैं इसे chlor-alkali process? Because chlor means chlorine form हो रही है and alkali means sodium hydroxide form होती है।
यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रेन क्या क्या बनते हैं. हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब इनके यूजेस क्या यूज होते हैं. सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो गैस बनी इट इज़ यूज्ड इन मार्गरिन, अमोनिया बनाने के काम में आता है. क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, पेस्टिसाइड CFC बनाने के काम में आता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट इज़ यूज्ड इन डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाता है. नेक्स्ट सोडियम कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर एंड द कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है. सॉलिड होता है, येलोइश वाइट होता है कलर के अंदर. ब्लीचिंग पाउडर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. यदि हम ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम स्मेल करेंगे तो इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है. अब इसे बनाते कैसे, बिकॉज कई बार प्रिपरेशन भी आ जाती है. अब ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम येलोइश वाइट कलर का होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल होती है. अब इसे कैसे बनाया जाता है, बिकॉज प्रिपरेशन आ जाती है. तो कैसे बनाते हैं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से पास किया जाता है, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है. इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स एट्सेट्रा. ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन ब्लीच करने में हेल्प की जाती है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ब्लीच द वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज. ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एट्सेट्रा. नाउ व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, देखो ये असाइनमेंट करते हैं. क्लोर अल्कली प्रोसेस NaOH की फॉर्मेशन को और इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है. अब पेल, पेल मीन्स येलोइश वाइट कलर का सॉल्ट है जो वाटर क्लोरीन की स्मेल देता है, तो क्या होगा ये, ब्लीचिंग पाउडर. अगेन न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं ये मैंने आपको टेबल के थ्रू बता दिया है. यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैमिली ऑफ सॉल्ट.